नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की। दोस्तों, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी है फिलहाल। राजनीतिक गलियारों में ममता बनर्जी को दीदी के नाम से जाना जाता है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में गायत्री एवं प्रोमलेश्वर के यहाँ पर हुआ था। ममता बनर्जी ने इस्लामिक इतिहास में परास्नातक किया है और वे इतिहास में भी स्नातक है। इसके अलावा उनके पास शिक्षा और कानून में भी डिग्री मिली हुई है। 1984 में जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर वे अपनी युवा अवस्था में कांग्रेस में शामिल हो गई। 1997 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की और 2 बार रेल मंत्री भी वो बनी। 2011 में और 2016 में अधिक बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री वो चुनी गई। ममता बनर्जी खाने को लेकर काफ़ी संजीदा है। वो तेल और मसालेदार भोजन से परहेज करती है। सामान्य तौर पर इनके खाने में फूला हुआ चावल, चॉकलेट और चाय आदि शामिल रहता है, लेकिन कुछ खास मौके पर यह गहरी तली हुई आलू के पकौड़ों को भी अपने खाने में शामिल करती है। ममता बनर्जी सेहत पर खासा ध्यान देती है। वो रोजाना 5-6 किलोमीटर पैदल भी चलती है। पहनावे में ममता बनर्जी को एक रंगा बॉर्डर वाली सफ़ेद सूती साड़ी पसंद है। ये साड़ियाँ धनखली में बनती है। ममता बनर्जी सादा जीवन जीने में विश्वास रखती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब उनके घर गए थे तो उनकी सादगी देखकर वो दंग रह गए थे। ममता बनर्जी उस समय केवल रेलवे मंत्री थी। ममता बनर्जी को प्रकृति से बहुत प्यार है। उनके पास जब भी समय होता है वो हिमालय की तलहटी और मेदिनीपुर के जंगलों का दौरा करके जरूर आती है। बदसूरत भूदृश्य ममता बनर्जी को पसंद नहीं है। कोलकाता स्थित खूबसूरत सेंट्रल पार्क की योजना इनकी ही बनाई हुई है। ममता बनर्जी को संगीत से भी काफ़ी लगाव है। ममता बनर्जी अक्सर वीरभूमि में अपनी माँ के घर के दौरे को याद करती रहती है। वहाँ के धान के खेतों में खेलना और गुलदस्ता बनाने के लिए धान के पौधे का प्रयोग आज भी उन्हें याद है। राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले ममता ने एक स्टेनोग्राफर, एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक, एक निजी ट्यूटर और यहाँ तक कि एक सेल्स गर्ल के रूप में भी काम किया है। बुरे दिनों में साथ देने वालों को ममता जी ने कभी भी नहीं भूला है। पूर्व कांग्रेस सुब्रतो मुखर्जी, जिन्हें उनके राजनीतिक जीवन का सूत्राधार माना जाता है, आज उनकी सरकार में मंत्री पद पर है। ममता बनर्जी एक लेखिका भी है। अब तक वे कविता, निबंध और उपन्यासों के कारण कई संस्करणों को भी लिख चुकी है। वह एक अच्छी चित्रकार भी है। ममता बनर्जी को बंगाल लोक संस्कृति बेहद पसंद है। जब वो राज्य में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करती है तो वहाँ से स्थानीय हस्तशिल्प जरूर खरीदती है। ममता बनर्जी एक नैसर्गिक कवि भी है। ममता बनर्जी तकनीकी प्रेमी है और अपनी सरकार की उपलब्धियों को पोस्ट करने के लिए वो नियमित रूप से सोशल मीडिया का भी उपयोग करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।